हम लोगों ने केदारनाथ की ट्रैकिंग सुबह 10 बजे चालू कर दी थी गौरीकुंड से, और लगभग हम लोग अभी 1 किलोमीटर आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट तो है रास्ता, लेकिन साथ में हम कई लोग हैं तो उससे अच्छा भी लग रहा है। और अगला 3 किलोमीटर के बाद जंगल पट्टी एक करके जगह, मंदाकिनी जी आ रही है केदारनाथ से, और मंदाकिनी जी का इतना पावन रूप तो आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितना अच्छा है। प्रतीक, जिस हिसाब से हम लोग अपना हौसले को बुलंद किए हुए हैं, मजबूती से बने हुए हैं, ऐसा करके हम लोग नीचे से अप्रॉक्स 6.5 किलोमीटर आ गए और पता भी नहीं चला। और ये ऐसे पता क्यों नहीं चला पता है? क्योंकि ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जो दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं। आप दिखाइए यहाँ कितनी बड़ी खाई है। चीज है, आपने ये पिक्चर आई थी केदारनाथ, उसमें देखा था सुशांत सिंह राजपूत जिसको पीठ पे लिए हुए थे, इसको बोलते हैं कोंडी। आप जब नीचे गौरीपुर से चढ़ना चालू करेंगे और सीधा केदारनाथ मंदिर तक, तो ये जो भाई साहब सामने खड़े हैं, देखिए कितने फिट हैं, ना कोई जिम ना कुछ, इतने फिट हैं कि ये वन शॉट में आपको देखिए करीब करीब 10 घंटे या 12 घंटे में पहुँचा देंगे केदारनाथ मंदिर तक, बाबा के दरबार तक। और उसका चार्जेस जो है वो वजन के हिसाब से लेते हैं। तो अगर जैसे मुझ जैसा व्यक्ति इनके साथ ऐसे बैठ के जाएगा तो वो कम से कम 12,000 रुपये चार्ज करेंगे। नेगोशिएबल है। भाई साहब को आप देख रहे हैं, ये कुमारनंद भंडारी जी हैं, जो नीचे से लेके ऊपर तक केदारनाथ बाबा तक जो श्रद्धालु जा नहीं पाते, चल नहीं पाते, उनको चलाते हैं, उनको पीठ पे लेके जाते हैं। अब आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसको कंडी बोलते हैं, कंडी। तो आप नीचे से जब चालू करते हो, समझो आपने 8 बजे चालू किया एक आदमी को लेके, मुझ जैसे आदमी को लेके, तो आप कितना देर में पहुंच जाते हो? 6 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोग 2 आदमी 3 आदमी कैरी करते हो कि एक आदमी अकेला लेके जाते हैं? एक आदमी मतलब 70-80 किलो के आदमी को लेके 6 घंटे में ऊपर पहुंच जाता है। भगवान में आपकी शक्ति कहाँ से आती है? अद्भुत, इतनी शक्ति है 6 घंटे में। देखो, अगर जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत थक गया, बहुत काम कर लिया, कुछ बन नहीं पाया, ये भाई साहब को देखो, इनका पर डे का ड्यूटी है। आप महीने में कितना दिन काम पे आ जाते हैं? लगभग ये 26 दिन से 27 दिन काम करते हैं। और ये क्या हार्डवर्क, हम लोग बोलते हैं बहुत हार्डवर्क करते हैं यार, हार्डवर्क इनका है, परिश्रम इनका है। और ये केदारनाथ यहाँ से 13.50 मतलब 13.5 किलोमीटर रह गया है, और जंगल पट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर। तो हमने सोचा है जंगल पट्टी में हमारा एक तीसरा हॉल्ट होगा, और भैरवनाथ का मंदिर यहाँ से 500 मीटर पे है। तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि हमें लग रहा है कि हमारी जो चलने की स्पीड है ठीक सही है, सही और है। जिस मंदिर के बारे में नीचे अभी आपको मैंने बताया, भैरवनाथ जी का मंदिर है 500 मीटर पे, वो ये मंदिर है। तो जो लोग अभी तक केदारनाथ आ नहीं पाए, सारे फ्रेंड्स को, मेरे सारे फॉलोअर्स को बोलूंगा ये भैरव जी का दर्शन करें। और यहाँ खूबसूरती जो है ना यार, पहाड़ों की ख़त्म ही नहीं होती, अनलिमिटेड ख़त्म ही नहीं होती। ये देखो सामने इतना सुंदर झरना है, 1, 2, 3 नीचे मिलके एक हो जा रहे हैं। इमेजिन, आपकी सोच से परे है सारी चीज़ें। और भाई अभी तक तो थकान नहीं लगी, हाँ प्रेशर बढ़ रहा है, रुक रहे हैं, थक रहे हैं, चल रहे हैं,
बट ऐसा नहीं है कि यार दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ है। जितना भी लोगों ने बताया था केदारनाथ के बारे में, ऐसी सिचुएशन लोगों ने फेस किया होगा, बताया होगा, सही होगा, लेकिन बाबा का आशीर्वाद हम लोगों के लिए कि आज हम सही सलामत अच्छे से चल रहे हैं। चलो चलते हैं। एक सौंदर्य चीज देख के मन भरा नहीं कि अगला उससे अच्छा। ऐसे ही हर एक 100 मीटर 50 मीटर 25 मीटर में कुछ ना कुछ नया देखा, हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। गौरीकुंड से 3 किलोमीटर चल के हम जंगल छट्टी आ गए। यहाँ एक चीज है, थोड़ा कैलकुलेशन का लॉजिक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो देखेंगे ना, उसमें अच्छे से समझाएंगे किलोमीटर के बारे में। अभी जहाँ तक हम लोग लग रहा है कि 3 किलोमीटर हम लोग का हुआ है, और ये जंगल चट्टी जो आगे मैं नीचे आपको बताया था, सामने जंगल चट्टी। जैसे जैसे हम आपके करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मतलब एक अलग सी सुखद अनुभूति हमें हो रही है, बोलते हैं ना एक अलग वाइब्स, अच्छा सुकून सुकून, अच्छा सुकून मिल रहा है। और ये आप सामने देख रहे हैं सौंदर्य स्थल, ये है रुद्रा वाटरफॉल। नाम भी कितना अच्छा खूबसूरत नाम है, भगवान महादेव के एक नामों में से रुद्रा वाटरफॉल। यहाँ के झरनों की विशेषता ये है कि पानी आप पी लो। शंभो हर हर महादेव। ये मैंने YouTube पे और बाकी जगह कई जगह मैंने देखा है घोड़ों के साथ क्या होता है, देख के बहुत दया आती थी, लेकिन आज मैं इनको लाइव देख रहा हूँ। इन लोग यूज करते हैं, इनको पिलाते पिलाते नहीं ढंग से, तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि घोड़ों को बैच नंबर दिया जाए, घोड़ों को बैच दिया जाए, उनसे एक ट्रिप खाली करवाई जाए। यहाँ पशुओं का शोषण हो रहा है, और जो लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, अगर वो भाई साहब इन चीज़ों को पब्लिकली बताएंगे नहीं, पूरी देश दुनिया में फैलाएंगे नहीं, तब तक ये शोषण बंद नहीं होगा पशुओं का। तो मेरे ख्याल से इनका एक बैच नंबर होना चाहिए, हर पशु का एक बैच नंबर होना चाहिए, जिसकी एक ट्रिप, एक सिंगल ट्रिप लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग क्या बोल रहे हो, एक सिंगल ट्रिप हो भाई, ये बैच का घोड़ा गया, एक ट्रिप मारा और आया और आराम के रेस्ट किया। बिल्कुल, हमने तो देखा, हम इंसान लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं, अपन ट्रैकिंग पे आए हुए हैं, हम लोग ट्रैकिंग पे हैं, हम 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर में ब्रेक ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ पी रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ खाली पैसा कमाने के चक्कर में, ये इंसानियत है। अगर अगर इस पर बोला ना जाए, आप सभी लोग जो लोग सुन रहे हो देख रहे हो मुझे, आप सभी लोग इसे स्प्रेड करो कि घोड़ों की एक ट्रिप लगाई जाए। Thank you.
केदारनाथ महाराज की जय। हम लोग जब नीचे से गौरीपुर से चालू किए थे तो 10 बज रहे थे और अभी देखो 3:03 हो रहा है। तो अप्रॉक्स यहाँ से केदारनाथ मंदिर जो है वो 7 किलोमीटर लग गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 5 घंटे में करीब करीब 15 किलोमीटर कवर किया है। ये 15 किलोमीटर का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब स्टार्ट किए थे तो वेदर बहुत अच्छा था, धूप थी और ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे मौसम रहेगा, लेकिन जैसे हम 6-7 किलोमीटर चढ़े होंगे उसके बाद हमको बारिश मिली है, फिर हमने रेनकोट डाला है और अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा कहीं रुक जाओ तो ठंडी ठंडी लग रही है, पूरा ठंड लग रही है। और चाय वाय पीछे बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं और सोच रहे हैं कि बस जल्दी से पहुँचे बेस कैंप तक, वहाँ जाके पहुँचे एक बार मेरा माइंड सेट बस शरीर में आ गए। लेकिन मैं ये वीडियो देखने वालों को बताना चाहूँगा कि जिनमें भाई चलने की स्टेमिना, अब इसको मजाक में ना लें यार, 17 किलोमीटर गया है, 22 किलोमीटर गया है, तो पहले कुछ ना कुछ तो आप प्रैक्टिस करो केदारनाथ आना है। एटलीस्ट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डेली वॉक करो, 15 दिन पहले 16 दिन पहले प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ आओगे तो लेके आओ। और हम लोग ने थोड़ी एक मिस्टेक की है कि हमने कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह साथ में नहीं रखा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक वगैरह चल रहा है। तो एक बार जयकाराम लगाएंगे सबका एक बार मिल के। एक ही एम था ना, मुझे घोड़ा लेना है ना किसी उसमें आना है, मुझे पैदल आना है, बस यही कि मेरी एक इच्छा थी कि भगवान मैं केदारनाथ पैदल आऊं और आप कब बुलाओगे, नहीं तो भाई यार तो मैं कई बार आ सकती हूँ। मजा आ रहा है, मैं जिसको भी देख रही हूँ बस मतलब एक तरह से वो सारी थकान भूल गया। जैसे ही हमें मंदिर की झलक दिखाई दी तो हम ऐसे दौड़ते हुए आए जैसे क्या मिली, मतलब जिसको हम पाने के लिए आ रहे थे और वो हमको मिली। शिव पुरंदर भद्र नट युगंधर वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व रज केदारनाथ, शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है, केदारनाथ सौ जगत में है विजग तू एक अखंड तत्व है, झूठ काम लोग जब तू एक मात्र सत्य है। भद्र नट युगंधर वन्न मन्न गौरीनाथ शर्व रज के